अपनी विचार करने की शक्ति को शार्प करने और शार्प रखने के लिए प्रतिदिन लॉजिकली एक पजल सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल में एक रूम में तीन घड़ियां रखी हैं। तीनों घड़ियां अलग अलग समय बता रही हैं। पहली घड़ी बता रही है 10:05, दूसरी घड़ी बता रही है 9:15 और तीसरी घड़ी बता रही है 9:35। अब आपको दिए गए हैं तीन इंफॉर्मेशन के आधार पर आपने बताना है कि अभी क्या समय हो रहा है। पहला इंफॉर्मेशन है एक घड़ी स्लो है। दूसरा इंफॉर्मेशन है एक घड़ी 20 मिनट फास्ट है। और तीसरा इंफॉर्मेशन है एक घड़ी 30 मिनट से ऑफ है। हो सकता है 30 मिनट फास्ट हो सकता है 30 मिनट स्लो हो। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो रोके अपने से इस पजल को सॉल्व करें। लॉजिकल थिंकिंग लगेगी, थोड़ी एनालिसिस लगेगी, दिए गए इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने की स्किल लगेगी। मैं बताऊं किस तरह से सॉल्व किया मैंने। मैंने चेक करने के लिए एक टेबल बनाई। पहले कॉलम में मैंने पॉसिबिलिटी लिखी और तीन कॉलम लिखे मैंने स्टेटमेंट्स के लिए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, कौन सा सही है कौन सा गलत है। चालू करते हैं पहली घड़ी से। मान लेते हैं कि अभी वक्त हो रहा है 10:05, 10:05। स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 3 गलत हो जाएगा, इसलिए समय अभी 10:05 नहीं हो रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी, समय हो रहा है अभी 9:15, 9:15। स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा क्योंकि कोई भी घड़ी स्लो नहीं होगी, दो घड़ियां फास्ट हो जाएंगी। स्टेटमेंट 2 सही होगा लेकिन स्टेटमेंट 3 गलत हो जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी लेते हैं, समय हो रहा है अभी 9:35। स्टेटमेंट 1 सही, एक घड़ी स्लो है। स्टेटमेंट 2 सही, एक घड़ी 20 मिनट से फास्ट है। और तीसरा स्टेटमेंट सही, एक घड़ी गलत समय बता रही है 30 मिनट से। तीनों स्टेटमेंट सही होते हैं यदि अभी वक्त है 9:35। सो आंसर मिला 9:35। इस तरह की पजल में एनालिसिस की जरूरत है। इस तरह की पजल सॉल्व करेंगे तो एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। इसी तरह अपनी विचार करने की शक्ति को शार्प करते और शार्प रखते हुए हम यहां तक पहुंचे 501 पजल की इस यात्रा में। अगली पजल में अवश्य मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।